कंप्यूटर एकेडमी, चिनिया रोड, नहर चौक, गढ़वा। हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स के लिए संपर्क करें। गोविंद हाई स्कूल के मैदान में चल रहे अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में शांति निवास उच्च विद्यालय ने केंद्रीय विद्यालय को 42 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शांति निवास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। केंद्रीय विद्यालय के गेंदबाजों ने उनके निर्णय को गलत साबित करते हुए 7 रनों के योग पर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और शांति निवास के खेमे में खलबली मचा दी। 5वें विकेट के रूप में निखिल वर्मा और राजन ने बेहतर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से निकालने में सफल रहे। 5वें विकेट के रूप में दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की। निखिल के 42, राजन के 32, विवेक के 33 रनों के सहयोग से शांति निवास ने निर्धारित ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन का स्कोर खड़ा किया। केंद्रीय विद्यालय की ओर से आदित्य और आलोक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी पारी खेलने उतरी केंद्रीय विद्यालय प्रियांश के 18, अंकित के 18 और आदित्य के 13 रनों के सहयोग से निर्धारित ओवर में 9 विकेट खोकर 121 रन ही बना पाए। शांति निवास की ओर से विवेक, धीरज और प्रशांत ने 2-2 विकेट झटके। खेल से पूर्व जिला खेल पदाधिकारी सह सीओ जेके मिश्रा, गढ़वा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सच्चिदानंद धर दुबे, प्रतियोगिता के उपाध्याय नवनीत शुक्ला, सह सचिव प्रिंस सोनी, कोषाध्यक्ष कमलेश दुबे संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किए। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार शांति निवास के निखिल वर्मा को दिया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष दीपक अशोक विश्वकर्मा, गोलू प्रवीण मिश्रा, अमित उपाध्याय, सोनू, ब्रजेश दुबे, आयुष सिंह, सिकंदर प्रजापति, प्रिंस खान, अतुल तिवारी, मनोज तिवारी, मनीष उपाध्याय, हेमंत राज, पंकज मेहता, पंकज चंद्रा, अंकित उपाध्याय, चंदन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। Oh,
पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।